हेमंत विश्वास सिलवासा न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। देख सकते हैं हमारी बाई और जो है कला बैंड डेकर इस वक्त हमारे यहाँ से सामने से बैरिकेड को अंदर करते हुए जा रही है। सारी मीडिया जो है देख सकते हैं आप यहाँ पर उनको किस तरह से उनकी बातों को यहाँ पर कैप्चर करने की तरह से पूरी तरह से कोशिश में जुड़ी हुई है। और ऐसे में कहीं ना कहीं बात किया जाए अंदर जो है अभी खबर मिल रही है लगभग 51,000 वोट से जो है कलाबेन मोहन डेलकर जो है वो इस चुनाव में जो है विजयी हुए। हालांकि इस मामले में अभी तक औपचारिक जो घोषणा है वो नहीं हुई है, लेकिन अंदरूनी जो खबर हमें हमारे सूत्रों से मिल रही है वो ये है कि 51,000 बहुत बड़ी मायने रखता है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये चुनाव उपचुनाव कहीं ना कहीं दादरा नगर हवेली फिर एक बार जो है वो इतिहास को कहीं ना कहीं फिर बरकरार करेगा। ऐसे में पहली बार दादरा नगर हवेली में महिला के तौर पर एक सांसद का बनना प्रदेश के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात रहती है। जो एक दिल्ली में यहाँ से एक महिला जो है वो उठती हैं और दिल्ली जाने के लिए तैयार होती है। हालांकि देख सकते हैं पूरी टीम जो है वहाँ पर देख सकते हैं उन्होंने कैप्चर किया हुआ है और किस तरह से उनके चेहरे पर जो है वो खुशी देखने को मिल रही थी। साथ ही हमने उनसे जो बात की है सुनिए। कांग्रेचुलेशंस, कैसा लग रहा मैडम? आज इतिहास बदल दिया आपने, महिलाओं का पहली बार ऐसा हो रहा है कि महिला दादरा नगर हवेली पहली बार महिला इस तरह से बहुमत के साथ जीत रही है जो अब तक का सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया, क्या कहना चाहेंगे मैडम? थोड़ा सा स्पेशल मैडम, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू, थैंक यू। तो ये थी कलाबेन डेलकर जिन्होंने बताया कि किस तरह से उनके चेहरे पर जो खुशी थी वो बखूबी आप भी देख सकते थे, साथ ही किस तरह से लगातार वो है अंदर जा चुकी है और किस तरह से आने वाले दिनों में अगला रणनीति बनेगा उसकी भी घोषणा करेंगे। साथ ही इन्हें किस तरह से प्रोत्साहन दिया जाएगा और साथ में विजेता की जो पत्र है वो भी यहाँ पर सौंपी जाएगी। तब तक के लिए बने रहिए सिलवासा न्यूज लाइन के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय सिलवासा।